और मैट जो है वो भी ग्लॉसी नहीं लग रहा है। वैक्स तो वो मैंने यूज़ किया हुआ इसके अंदर, तो शाइनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है इसमें। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु, मेरा नाम जितेंद्र और आज हम करने वाले हैं क्लीनिंग दोनों ही गाड़ी की, मेरे कार की और मेरी बुलेट की, दोनों की ही आज क्लीनिंग करने वाले हैं। फुल्ली क्लीन करेंगे, वॉश भी होगा, क्लीन भी होगा, शाइन कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें। एक ग्लॉसी है, महिंद्रा TUV 300 है, ये ग्लॉसी है एंड ये है मैट। तो दोनों ही जो पब्लिक हैं जिनके पास कार और बाइक भी है, मैट और ग्लॉसी भी है, उसके लिए व्लॉग टोटली इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो कैसे क्लीन करते हैं, सारे प्रोडक्ट हैं मेरे पास, किस किस चीज़ों से क्लीन करना है सबके डिटेलिंग और बात करेंगे, किस प्राइस में कहाँ से आप बाय करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट, वो सारी डिटेलिंग बारे में इस व्लॉग में आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वंडरफुल ब्लॉग, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर क्लिक करिएगा ताकि मैक्सिमम ब्लॉग आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपने ये प्रोडक्ट तो मैंने कई बार दिखा रखा है आपको, वेवेक्स का मैट क्लीनिंग है जो कि मैंने अपनी गन मेटल ग्रे के लिया हुआ था। बाकी प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली वर्क किया मेरी गाड़ी में और जो मेरे को चाहिए था वो शाइन मिल रही है, मैट का जो फिनिशिंग है उसको डैमेज नहीं हो रहा। तो इसके बाद मैंने सोचा कि दूसरे प्रोडक्ट मंगाते हैं इनके, लेट्स ट्राई कि कैसा वर्क करते हैं बाकी प्रोडक्ट। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर, आपको देखिएगा ये शैम्पू है, ठीक है, शैम्पू इज़ फॉर कार। आपको शैम्पू यूज़ नहीं करना है अपनी मैट पेंट पे, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका पेंट जो है वो रफनेस निकले वो नहीं चाहिए। बट आप ग्लॉसी में इसको जरूर यूज़ कर सकते हैं, ग्लॉसी में कार है आपके पास या बाइक है उसमें जरूर यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट है। उसके बाद आता है वैक्स, ये है विवेक्स का वैक्स, तो वो मैं यूज़ करने वाला अपनी कार में। एंड उसके बाद आता है स्क्रैच क्लीनर, जो कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि स्क्रैच कैसे क्लीन करते हैं, परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो वो भी मैं आज आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि ये कैसा वर्क करता है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे जो कि बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, टायर शाइनर और क्लीनर गार्ड जिसको बोलते हैं वो, ये प्रोडक्ट है। तो इसको भी मैं अपनी कार और अपनी बाइक बुलेट उसमें भी यूज़ करने वाला हूँ। एंड मैंने 10 का कॉम्बो मंगाया हुआ था जिसके अंदर साथ में ये फोम भी थे एंड दूसरा क्लोथ भी था, तो वो सब मैंने 10 का कॉम्बो मंगा रखा था। आप चाहें तो सिंगल सिंगल प्रोडक्ट भी मंगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा उसके लिए। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा ये वर्क करता है। तो फर्स्ट मैं क्लीन करने वाला हूँ अपनी गन मेटल ग्रे को, तो मैं पाइप लगा के उसको पानी से क्लीन करने वाला हूँ, फिर उसको मैं बाल्टी के साथ में शैम्पू के साथ में क्लीन करूँगा। तो फर्स्ट इसको क्लीन करते हैं, चलिए देखते हैं। फ्रेंड वॉश जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ ये टायर क्लीनर, जो कि टायर का शाइन जो है वो बनाए रखा है, क्योंकि ये जो शाइन है वो प्रॉपरली नहीं रहता है लॉन्ग टाइम तक, तो ये टायर क्लीनर यूज़ करने वाला हूँ, फिर कार में भी यूज़ करूँगा। एंड उसके बाद मैं करूँगा उसको मैट, इसके अंदर मैट पॉलिश करेंगे एंड अपनी कार में करेंगे ग्लॉसी। तो चलिए देखते हैं। हो चुकी है, अब मैं क्लीन करने वाला हूँ पूरी अपनी गाड़ी जो है गन मेटल ग्रे है उसको इस मैट पॉलिश से। जल्दी से मैं इसको करता हूँ, आप देखिए।
कन्वर्टिबल ग्रे ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब मैं करने वाला हूँ अपनी कार में वैक्स, जो कि अच्छा रहता है, पेंट को प्रोटेक्ट रखता है यूवी रे से और स्क्रैचेस नहीं दिखाई देते हैं। स्क्रैच रिमूवर भी है, वो भी अगर स्क्रैच मुझे ज़्यादा दिखा तो मैं उस एरिया में यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ दोनों गाड़ी कितना शाइन कर रही है, कितनी प्रॉपरली इसको मैंने मेंटेन किया। ऑलमोस्ट इसको जो मेरी गाड़ी है उसको 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। आप देख सकते हैं क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है कार की, और ये है मेरी गनमेटल ग्रे, तो इसमें भी आप देख सकते हैं अच्छे से क्लीन कर रखी है। टायर जो है वो भी अच्छे शाइन कर रहे हैं और मैट जो है वो भी ग्लॉसी नहीं लग रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बताइए कैसा लगा आपको, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है गनमेटल ग्रे, एकदम शोरूम लुक जैसा। आप ये लेग गार्ड भी देख सकते हैं, रिम भी देख सकते हैं, रिम भी अच्छे से क्लीन किया हुआ है। तो अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करने से ना गाड़ी शाइन करती ही करती है। आप रेयर से भी देखते हैं, पीछे से भी अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी जो है परफेक्टली शाइन कर रही है। एंड कार में भी मैंने जो मैट के लिए था वैक्स, तो वो मैंने यूज़ किया हुआ है इसके अंदर, तो शाइनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है इसमें, आप देख सकते हैं। इसमें भी मैंने टायर शाइनर यूज़ किया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं टायर कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो आई होप आपको ये जो वेवेस के जो मैंने प्रोडक्ट दिखाया है वो आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपकी मैट गाड़ी है तो भी उसको यूज़ कर सकते हैं, एंड ग्लोसी है तो उसके लिए मैंने प्रोडक्ट दिखाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिए, वहाँ आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एंड आई होप आपको ये दोनों ही प्रोडक्ट मेरे गनमेटल ग्रे जो कि मैट है एंड ग्लोसी के लिए, दोनों के लिए मैंने प्रोडक्ट दिखा दिया है आपको, दोनों ही प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, बेहतरीन है, रिजल्ट जो है आपके सामने है। एज यू कैन सी द शाइनिंग, गाड़ी शाइन अच्छा कर रही है। तो ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट ग्रुप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।